गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ ज्वेल गुरु की भाई। और भैया ने बोला है कि तू 2-3 दिन ब्लॉग बनाओ, क्योंकि मैं नहीं बनाऊंगा तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। और अभी मैं जाने वाला हूँ सियोलिम से मफसा, और मफसा का ब्लॉग आप लोग देखो। अगर अच्छा लगे प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो T11G यूट्यूब चैनल को। और बताइए, मैं भी नया हूँ, कुछ भी थोड़ा गलत हो सकता है तो वो सब इग्नोर करो और अच्छा अच्छा सामान देखो। और अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सपोर्ट करो मेरे लिए, भैया के लिए। भैया तो इतने दिनों से असम का ये सब खेत से ये सब का वीडियो दिखा रहा था, आज से मैं गोवा का वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। और थोड़ा सपोर्ट करो और दोस्त लोगों को शेयर करो। तो चलो ये वीडियो देखते हैं, बाय। ऐसे दरवाजा के सामने बैठो और बढ़िया बढ़िया व्यू लो। वैसे भी गोवा का व्यू तो कम नहीं है, गोवा का व्यू तो बहुत अच्छा है। वैसे देखो और मैं जाता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। वैसे बाइक में आएगा बहुत मज़ा आएगा, ये हैवी करके हैवी बहुत अच्छा है, छोटा छोटा रहता है। इतना बढ़िया व्यू है, अभी जा रहा हूँ मैं। तो मैं मफसा आ गया, मतलब पहुंच ही गया, ज़्यादा दूर नहीं है और दो मिनट लगेगा, 2-3 मिनट। तो मफसा पे क्या क्या लेता हूँ देखो आप लोग भी, और एंजॉय करो। घर बजा तो हो गया हूँ पिकअप, मतलब उतर गया हूँ देखो। और ये 5 दिन है, ये 5 दिन है, मतलब यहाँ से हर जगह जाता है पंजीम। और जैसे मतलब यहाँ से जहाँ जो जो मिलता है यहाँ का एरिया उधर जाता है ना, यहाँ से तो पूरा ब्रश पास है इधर। ये जाएगा पंजीम, तो मुझे तो पंजीम नहीं जाना है, मुझे जाना है इस साइड। मुझे तो इससे रहना है और थोड़ा बहुत देखो बाज़ार जैसा होता है ये, अन्य कपड़ा का कपड़ा बाज़ार है ये, यहाँ इस साइड में। बाकी ये सब इस साइड में मिलेगा, मोबाइल्स मोबाइल ये सब, बाकी भी इसमें कपड़ा। हाँ देखो बहुत बड़ा है इसे, इधर भी है और उससे भी। अभी इस साइड कुछ अलग मिलेगा, हम मतलब यहाँ इधर जिधर भी जाएगा सब बाजार ही दिखेगा। ये यहाँ मैं अकेला आया हूँ तो इसलिए मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, ये थोड़ा आराम से जाना होगा, मैं अकेला आया हूँ तो थोड़ा दिक्कत है। तो चलो देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं
तो थोड़ा मैं भी बजा करता हूँ, तो बाद में दिखाता हूँ। और बाज़ार बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा बाज़ार है, जितना भी जाओगे तो ख़त्म ही नहीं होता है। तो पूरा घूम 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 गए है, तो इसलिए बजा करने के बाद फिर से मिलता हूँ। तो घूमा, घूमने के बाद फिर से आ गया निकल के, तो अभी देखते हैं। ज़्यादा नहीं, बस एक टी शर्ट लिया, टी शर्ट लेने के बाद आता हूँ फिर से। और थोड़ा बहुत खाना पीना खाता हूँ, भूख भी लगा है बहुत, टाइम भी हो गया, तो इसीलिए टाइम भी हो गया, 11:30 बज गया। देखो इधर पूरा क्राउड है, खाने के लिए इधर आ गए, मिलेगा इधर ही खाने के लिए। उधर पूरा भीड़ है, तो इसीलिए इधर आ गए। कोल्ड ड्रिंक्स लेता हूँ, तो अभी मैं निकल गया हूँ मापसा से सियोलिम तक। और गाड़ी देखो कैसे गाड़ी लगा के रखा है यार, कितना गाड़ी है अंदर, तो बहुत ही भीड़ है, और भीड़ है। जैसे तैसे बैठ रहा हूँ, अरे अभी देखो जैसे नहीं छुपा का स्टैंड है वो, मतलब बस स्टैंड है ये, नहीं छुपा का है। अभी यू टर्न, बढ़िया बढ़िया व्यू लो। आ गया मंडी, देखो एक सेकंड रुकेगा ना, कितना जाम होता है ये देखो, कितना गाड़ी है, फिर भी सिंगल रास्ता है, सिंगल रोड है ना इसीलिए। हेलो, चलो बढ़िया है, घूम के अच्छा लगा। रिपर जम है पीछे, मेरे को अंदर कितना जाम है। खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं है, मैं आके जो बैठ गया, नसीब अच्छा है ना मेरा, क्योंकि मेरा खराब दिन कभी भी नहीं चलता है, जहाँ भी जाता हूँ अच्छा ही चलता है, ऊपर वाला का अच्छी बात है। इसलिए देखो कितना कितना जाम है, देख ये लड़की फिर भी क्या करे, मैं जहाँ रहता हूँ ना उधर, मतलब ये गाड़ी कम जाता है, कम जाता है, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम आता है। देखो रास्ते में कितना रुका हुआ है, फिर भी उठने के लिए डर है, क्योंकि इतना भीड़ में कौन उठेगा बोलो। भाई मैं यहाँ अरबी गाता हूँ तो ऐसा ही मिलता है, क्यों पता नहीं, इतना जाम, इतना क्राउड रहता है ना, अरे यार क्या ही बोलो। एक दिन भी अगर बस खाली मिलता है या गाड़ी खाली मिलता है ना, तो मिलता ही नहीं, बस मुझे तो सीट मिल जाता है, क्योंकि मैं गाड़ी में तो रहता है ना,
ये लड़का, वो लड़का को पहचानता हूँ मैं, उसको फ़ोन करके देता हूँ कि मेरे लिए एक सीट रखो। वो मेरे लिए पीछे का जो ये सीट होता है ना, जैसे वीडियो बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए, तो वो मेरे लिए रख देता है, कपड़ा भी के रख देता है। तो इसीलिए अच्छा होता है ना, ये सब में भी थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ता है, दोस्ती करना पड़ता है। अच्छा है अभी सब लोग खड़ा है, मैं बैठा हूँ। सब लोग नहीं मतलब 50% लोग तो खड़ा ही है ना, तो इसीलिए चलो बढ़िया आने वाला है। इतना अच्छा व्यू नहीं मिलेगा क्योंकि गोवा का व्यू जो है ना, गोवा का व्यू बहुत अच्छा है। गोवा का वीडियो, और वैसे भी मेरा न्यू ब्लॉग है ये, तो पता नहीं क्या क्या बोला होगा, क्या क्या दिखाया होगा, आई डोंट नो, बट फिर भी ट्राई करता हूँ आप लोगों को अच्छा दिखाने के लिए, आप लोगों को थोड़ा अच्छा सामान दिखाने के लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। और मैं भी बहुत कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छा अच्छा सामान देखिए देखने के लिए मिले गोवा का वीडियो, जैसे मफसा, और कल जाऊँगा मैं पंजीम दोना पाले से घूमने के लिए जाऊँगा ना, तो आप लोग भी चलेगा तो आप लोगों को भी लेके जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। बट थोड़ा बहुत सपोर्ट करो यार, न्यू आया है तो न्यू बंदा के लिए इतना बनता है, और मैं तो नया आदमी हूँ, नया ब्लॉगर हूँ, तो क्या क्या करना है मुझे नहीं पता, तो दिखाओ और देखो आप लोग भी अच्छा अच्छा ऐसे गोवा का वीडियो। तो गाइस लगभग मैं ऐसे ही 2 बस चेंज किया अभी तक, 2 बस में 1 घंटा 1 घंटा पकड़ो, और एक ही जगह में बैठ बैठ के मैं बोर हो गया, तो मतलब बहुत ही बोर, कुछ बोलने का मूड नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो आपको तो पता ही है, 1 बस में 1 घंटा अगर बैठता है तो क्या लगता है, ये कोई ट्रेन नहीं है कि कोई आएगा खाने के लिए, कुछ मिलेगा और रुकेगा तो खाने के लिए रुकता है, तो ऐसे अगर रुकता है गाँव के अंदर तो कैसे रखो। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखा के जाऊँ क्या क्या होता है। चलो अरे चल चल चल, मज़ा आ गया ये है ना। अगली बार ना मेरे दोस्त लोगों को लेके आऊँगी, उन लोगों को भी, वो लोग मतलब 2 बार आए हैं मेरे साथ, वो बोलता है कि यार क्या क्या घूमते रहते हो, ये सब बोर होता हूँ मैं भी, वो लोग बोलता है बोर होता हूँ। अरे भाई बोर होता है, रोम में सो के क्या मिलता है तुम लोगों को, कि नहीं रूम में सो सो के क्या मिलता है, वो लोग बातें करते रहता है दिन भर गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, भाई गर्लफ्रेंड को भी टाइम दो और घूमो भी यार, माइंड भी थोड़ा फ्री करो, वो लोग ये सोचता भी नहीं। तो पहुँच गया रूम, ज़्यादा टाइम नहीं है, अरे रुक गया ज़्यादा टाइम नहीं है, और 10 मिनट आएगा रूम पहुँचने में। तो क्या टॉपिक कह रहा था, माइंड, हाँ उन लोगों को बोलता हूँ यार रूम में बैठ बैठ के थोड़ा मूड ही ख़राब होता है दिन भर सो के, तो मैं कभी कभी बोलता हूँ यार घूमने के लिए भी चलो यार रूम में बैठ बैठ के क्या करोगे, और देखो दिन भर अगर सोता है ना तो नेक्स्ट डे अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसीलिए चलो घूम रहे थे, वो लोग बोलते हैं नहीं जाऊँगा नहीं आएगा तो मैं क्या करूँ, तो इसलिए मैं अकेला आता हूँ, क्योंकि देखो रूम में भी बैठता हूँ और घूमने के लिए भी आता हूँ, दोनों करता हूँ, बट रूम में ज़्यादा नहीं बैठता हूँ, क्योंकि मैं जो है ना घूम के अच्छा लगता है मुझे, मैं घूमता रहता हूँ पूरा, ऐसा नहीं है कि रूम में ही पूरा दिन रहता हूँ। तो चलो पहुँच गया, ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी फिर से रुका घर में रुकाने के लिए, भाई रुक गया। तो अभी मैं भी थोड़ा देर की बात मैं भी उतरने वाला हूँ रूम के पास आ गया, ये कैपिट है बहुत बार आया था इसमें खाने के लिए, अच्छा मिलता है खाना, और
तो आप लोग बताओ ये सब ब्लॉग कैसा लगता है, जैसे कि गोवा ये सब घूमना फिरना का ब्लॉग कैसा लगता है। अगर ये सब का ब्लॉग अच्छा नहीं लगता है तो दूसरी बनाने के लिए कोशिश करूँगा, अगर अच्छा लगता है तो ये जैसे वीडियो बनाऊँगा। ये सब बना के तो अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि ये जैसा ब्लॉग आप लोगों का अच्छा लगेगा, क्योंकि जगह देखने के लिए मिलता है ना हर जगह। जैसे अभी मैं गया मापसा, जैसे ये साइनबोर्ड में क्या लिखा हुआ, ये बोर्ड में क्या लिखा हुआ है वो तो दिख गया होगा शायद ना, ऊपर सकते हो अगर आता है तो ये सब देख सकते हो कि ये यहाँ से जाता है इस साइड, जैसे मापसा और सिवली आता है तो ये देखो बस पहुँच गया, ज़्यादा टाइम नहीं है और 2 मिनट का रास्ता है, 2 मिनट के बाद मैं 2 मिनट के बाद मैं भी उतरने वाला हूँ। उतर उतर के पास भी खाली हो गया, ऑलरेडी पहुंच गया हूं मैं मापसा सोलिम। तो बहुत धूप है यार, कैसे करूं कैसे बताऊं, गाँव में नहीं है तो गाड़ी आया है, बीच में रुका हूं तो जाके आगे मिलता हूँ। ये देखो रोड में जाने ही नहीं दे रहा है, तब से क्या बताऊँ यार, दीदी जाने दो जाने दो। ऑलरेडी पहुँच गया, थोड़ा दूर है, थोड़ा मतलब 2 मिनट का रास्ता है, उधर से थोड़ा जाना पड़ेगा, मिलते हैं रूम में रूम की। तो आशा करता हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और भैया की जय हिंद बाय।